नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो उसके जो फैसले होते हैं उन पे क्यासबाजी करना मुझे लगता है कि बिल्कुल बेकार सी बात है। उसे जो करना होता है उसकी स्ट्रेटजी को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। अब देखिए, जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बना करके बीजेपी ने किस तरीके से कई निशाने साध लिए हैं। जाट कनेक्शन और ममता को भी उन्होंने सेट कर लिया है। आगे चल के ममता की मुसीबतें बढ़ेंगी। पूरी वीडियो देखिएगा दोस्तों, बहुत कुछ है इसमें आपके जानने के लिए। एक और गुजारिश है आपसे कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी राय देना मुझे कभी ना भूला करें। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए का उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार मार्केट अलवा से होना है, जिनके नाम का ऐलान आज ही हुआ है। और एक बहुत बड़ी बैठक करी थी विपक्षी दलों ने, उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया। तो अब एक तरफ धाकड़ हैं, धनखड़ हैं, और दूसरी तरफ आपकी मार्केट अलवा है। बीजेपी ने धनखड़ को उम्मीदवार बना करके एक तीर से कई निशाने साधे हैं। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी से धनखड़ की जो रार है, जो उनके मन मुटाव है, वो बताने की जरूरत नहीं है। ममता की कलम से निकले फरमानों की धनखड़ ने किस तरह से धज्जियां उड़ाई हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। इसे जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल में बेहतर काम करने का कहिए कि उनको एक इनाम मिला है। ये प्रोफाइल दे करके, जगदीप धनखड़ राजस्थान से हैं, जाट समुदाय से आते हैं। राजस्थान में जाटों को रिजर्वेशन दिलाने में उनकी बड़ी अहम भूमिका रही है। अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, इसको देखते हुए धनखड़ की उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी काफी अहम हो जाती है। इसके अलावा बीजेपी ने दोबारा मैसेज दे दिया है अपने विपक्ष को कि उसके फैसलों को उस पर कयासबाजी करना फिजूल है। वो जो कुछ भी करती है उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ उसी को पता होता है, और बीजेपी स्थितियों और समीकरणों को देख करके अपने सदस्यों का इस्तेमाल करती है। बीजेपी मुख्यालय में संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद धनखड़ के नाम का जब ऐलान हुआ तो सब लोगों ने अपने तरीके से बातचीत की। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार होंगे और अभी वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। सार्वजनिक जीवन में लगभग 3 दशकों से हैं और सियासी दावपेच में धनखड़ को धाकड़ माना जाता है। उनकी कानूनी समझ भी बेहतरीन है। वह सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इन खूबियों के कारण ही उन्हें बंगाल में ममता बनर्जी को जो है उनकी चैन की सांस जो है खत्म हो गई। उन्होंने उनकी एक भी चलने नहीं दी, हमेशा उनकी राह में वो कांटा बने रहे, ऐसा ममता जी को लगता रहा हमेशा। दोनों की आपस में कभी नहीं बनी, कई मौकों पे ये देखने को मिला जब धनखड़ ने ममता बनर्जी के फैसलों को पलट दिया। इस कारण सोशल मीडिया पर दोनों की ट्वीट वार भी होती है, और बंगाल चुनाव में बीजेपी की शिकस्त के बावजूद धनखड़ ने सीएम ममता बनर्जी पर बकायदा एक अंकुश सा लगा के रखा। तो अब देखना ये है कि आगे चल के वेस्ट बंगाल में बीजेपी के लिए कौन से रास्ते बनते हैं, कौन सी संभावनाएं बनती हैं। दोस्तों, फिलहाल इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी किसी और वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।